प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। आप एलसी देंगे कि नहीं देंगे? मैं इनकी प्रॉपर्टी तो नहीं मांग रहा हूँ, ये लोग नहीं दे रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, मुझे भी मारे, मेरे छोटे भाई को भी मारे। ए, मार किसे रहा है? बांबू से मारा गया मैं। अगर इनको नहीं देना था तो मुझे एक महीने से क्यों घुमा रहे, 4 बार मुझे क्यों बुला रहे? डंडे टूट टूट गए हमारे बच्चे लोग को मारा है वो। मतलब स्कूल चला रहे हो आप लोग, दादागिरी कर रहे हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के कौसा स्थित असदुल्ला खान स्कूल में बच्चे के अभिभावक और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में विवाद हो गया और ये विवाद मारपीट में बदल गया। मुमरा के खरडी रोड के रहने वाले अब्दुल रहीम ने बताया कि वो अपने छोटे भाई की एलसी लेने के लिए गए थे। एलसी लेने के लिए उन्होंने 1 महीना पहले ही लेटर दिया था मगर एलसी नहीं मिली। वहीं स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया है कि 29-30 तारीख को रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बाद ही एलसी दी जाएगी। इसी वजह से ये विवाद बढ़ गया और अभिभावक की पिटाई हो गई। बताया जा रहा है कि मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने दोनों पक्षों को मुमरा पुलिस स्टेशन ले गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच में मुमरा पुलिस स्टेशन में सुलह हो गया है। वहीं मीडिया में अपना पक्ष रखते हुए अब्दुल रहीम ने बताया वो हम आपको सुनाएंगे, मगर जब स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जियाउल्लाह खान को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पक्ष पुलिस के सामने रख दिया है। अगर उन्हें लगा कि उन्हें मीडिया में भी अपना पक्ष रखना है तो वो अपना पक्ष मीडिया में बाद में रखेंगे। लेकिन कैसे विवाद हुआ, क्या हुआ था, पूरा मामला ये हुआ, जो एलसी लेने के लिए जो गए थे अब्दुल रहीम, उन्होंने क्या कुछ बताया है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। अब्दुल रहीम भाई, ये अभी आप स्कूल में आए थे, ये स्कूल का नाम क्या है, क्या विवाद हुआ? ये डॉक्टर असदुल्ला खान स्कूल नाम है, ये अपना कौसा में स्कूल है। ये मैं यहाँ पे आया था अपने छोटे भाई का एलसी लेने के लिए, 11th साइंस से है। इसने पहले एलसी के लिए लेटर 1 महीने पहले इसने दे दिया था। मैं 1 महीने से बोल रहा हूँ सर मुझे एलसी चाहिए, बोलते स्टाफ नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। मैंने इनको लेटर भी दे चुका 1 महीने पहले, मेरी फीस 11th की पूरी पे है, फिर भी ये मुझे घुमा रहे। आज जब मैं आया एलसी लेने के लिए तो ये मेरा 4th टाइम है यहाँ पे आने के लिए, ये बोले कि एलसी सर नहीं है यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ आगे? क्या हुआ आपका विवाद कैसे हुआ? मैंने बोला सर एलसी देना है कि नहीं देना है, तो इसमें जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का क्या नाम है, जियाउल्लाह करके नाम है, उन्होंने बोले चलो बाहर निकलो यहाँ से, चलो बाहर निकलो, प्रिंसिपल नहीं है। तो मैं वीडियो बनाने लगा तो उन्होंने मुझे मारे। नहीं नहीं, तो गलत हो रहा है, वीडियो ने जब इसको मारने लगा तब तो वीडियो बनाया है। हाँ मेरे पास वीडियो भी है, मारने लगा क्यों मारने लगे डायरेक्ट, ऐसी क्या बात हो गई जो डायरेक्ट मार सर मैंने यही बोला उनसे कि सर मुझे एलसी दे दीजिए, बोले सर नहीं है। मैंने यही पूछा सर एलसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने लेटर दे दिया 1 महीने पहले ही, मैं ये मेरा 4th विजिट है कॉलेज की, एलसी देने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं इनकी प्रॉपर्टी तो नहीं मांग रहा हूं, मैं अपना 1 साल का टाइम दिया, पैसा दिया, वही मांग रहा हूं। मैं अपना पेपर लेने आया था, अगर ये मुझे मेरा पेपर दे दिए होते ये अपना देखते, मैं अपना देखता। ये लोग नहीं दे रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, मुझे भी मारे, मेरे छोटे भाई को भी मारे, उन्होंने ही मारे, और मेरे अम्मी से मारा आप लोग, बांबू से मारा गया, मेरे पास वीडियो है ये। आप बोल रहे हो कि एलसी लेने के लिए आप आए थे इसलिए आपको मारा गया। हाँ। एलसी रिजल्ट के बाद लिया जाता है, लेकिन पहले एलसी के लिए अप्लाई करना। नहीं मैम, उसके लिए पहले 1 महीने पहले इनको लेटर देना पड़ता है वो। हाँ। 1 महीना पहले इनको लेटर, रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं एलसी दी, रिजल्ट ठीक है वो, लेकिन इनको लेटर देना पड़ता है ना कि मतलब कॉलेज से बच्चा निकला, इसी हिसाब से जीआर नंबर बनता है और फिर रोल नंबर वगैरह सब बनता है। स्कूल का रूल्स रहता है कि मैंने पूरा रूल्स फॉलो किया। अगर इनको नहीं देना था तो मुझे 1 महीने से क्यों घुमा रहे, 4 बार मुझे क्यों बुला रहे? मैंने उससे यही बात पूछा कि सर एलसी देना है कि नहीं देना, इसी बात तो मैंने पूछा ना सर मुझे एलसी देना या नहीं देना, 4 बार मुझे क्यों घुमा रहे? किस किसने मारा है आपको? यहाँ जो प्रिंसिपल है जियाउल्लाह नाम है उनका, और एक स्टाफ है, वॉचमैन है, ये मेरे पास वीडियो है ये। तो किस किस को मारा गया है? बिल्कुल बाम्बू से मुझे मार रहे, ये लिया
मेरे फोन पे भी मारा, मेरा फोन पूरा टूट गया है, ये मुझे बाम्बू से मारा। महिला के ऊपर भी हाथ उठाया है? हाँ महिला के ऊपर भी हाथ उठाया है। आपको भी मारा, किसने मारा? डंडे से मारा है। हाँ देखो सूज गया पूरा ये। डंडा किसने मारा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने? हाँ भाई हाँ वही मारा है हमारे बच्चे लोग। मैं बच्चों को लोग को बचा रही थी, अब डंडे टूट टूट गए, हमारे बच्चे लोग को मारा है वो। हाँ तुमको किधर लगा? हमें गिर गिर गई थी नीचे सर, मुझे यहाँ लगा, मेरे सर पे लगा, मेरे सर पे डायरेक्ट गिर गई थी, मेरे पैर में भी चोट लगा है। तो ये डंडे से हमला किसने किया था? डंडे से हमला ये वॉचमैन था वहाँ का, वो था, और प्रिंसिपल ने छमाट मारा इसके, उन्होंने पहले मारा, और जितने भी स्टाफ थे वन बाय वन करके आ रहे थे यहाँ पे, हमें धक्के मार के बाहर कर दिया और गेट बंद कर दिया गया यहाँ का। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि मारे क्यों, मेरी क्या गलती थी? आपके पास कैमरा है? अगर मैंने कोई बदतमीजी की है आप अपना कैमरा चला 24/7 चालू, वो देखिए जो रूल्स है, मेरे सारे रूल्स फॉलो किया, मैंने कोई रूल्स नहीं तोड़ा। मैं भी स्टूडेंट हूँ अभी, कोई मतलब वो नहीं। बात मिलेगा आप चार बार क्यों दौड़ाए? क्योंकि आपने चार बार आने के बाद फिर बच्चे को मार रहे हो आप लोग, मतलब स्कूल चला रहे हो आप लोग, दादागिरी कर रहे हो। हाँ दादागिरी करना तो भी बता दो, हम स्कूल नहीं चला रहे, गुंडे पैदा कर रहे हैं स्कूल में, तालीम नहीं दे रहे, हम गुंडा पैदा कर रहे हैं। आप कुछ रूल फॉलो नहीं होते हैं।